पलामू जिले के व्यवहार न्यायालय में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आचार संहिता मामले में पेश हुए। दरअसल यह मामला गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने पलामू व्यवहार न्यायालय में बूथ पर नारेबाजी किए जाने का पलामू व्यवहार न्यायालय के MP MLA कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें आज झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री पेश हुए और मंत्री का बयान दर्ज किया गया। वहीं पेशी के दौरान मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2014 चुनाव से संबंधित मामले कोर्ट में बयान दर्ज करवाया, विरोधियों ने गलत आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाया था। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। 2014 का हमारा चुनाव से संबंधित मामला था, जिसमें आज हमारा बयान दर्ज होना था। हमने अपने बयान दर्ज कराया है, गलत आरोप लगाकर मेरे ऊपर उस समय एक केस किया गया था चुनाव के दिन। आज उसमें मेरा स्टेटमेंट हुआ है, अब आगे की कार्रवाई होगी न्यायालय में। अगले पूर्ण जो फैसला का तिथि भी निश्चित, अब जो आरोप लगता है जनरली सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है चुनाव, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से ही वहाँ रिगिंग की जा रही थी, जो लोग थे वहाँ के वर्तमान विधायक उनके लोगों के द्वारा, लेकिन यह मामला न्यायालय में है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, हमारे न्याय पर हमें पूरा भरोसा है और मुझे इंसाफ मिलेगा। आगे ये सर 2014 का मामला था चुनाव के दिन, 2014 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस दिन चुनाव आचार संहिता उल्लंघन संबंधित मामला दर्ज किया गया था और उसी केस में आज उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।